आंधा, बारिश और चाय। अब इन तीन चीजों को सुनते ही सबसे पहली डिश आपके दिमाग में कौन सी आई? सोचिए सोचिए, मैं अपने आंसू पोंछ के आता हूँ। बनाने जा रहे हैं कांदा भजिया, और इतनी मजेदार बारिश हो रही है, टाइम हो गया है चाय का और साथ में कांदा भजिया हो और बारिश हो, मजा आ जाए। बनाते हैं सिंपल मुंबई स्टाइल कांदा भजिया। कल को अगर तू कुछ भी कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए मैंने पतला पतला जो प्याज है वो काट लिया है। सबसे पहले डालेंगे इसमें हम अदरक, अदरक के बाद डालेंगे इसमें हम ये लहसुन, हरी मिर्ची, साथ साथ में लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये है अजवाइन। इसको इस पे इस तरह से हम रब करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे। अब ये से डालने के बाद डालेंगे इसमें हम नमक, बेसन। देखिए मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, तो नमक डालने से क्या होता है, प्याज पानी छोड़ता है। अगर आपको अपनी भजिया क्रिस्पी चाहिए तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा पानी कम इस्तेमाल करें। अब इसको हम मिला लेंगे आपस में। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, इस पे पानी हम छिड़केंगे, यह पानी और इस तरह से इस पे छिड़क दिया। नाउ सीधा बाइंडिंग, इसमें अच्छी खासी एक बाइंडिंग आ चुकी है सीरियस। तो बेसन का इस्तेमाल कम करना है। हाँ, अगर पकोड़े बनाने हैं तो आप बेसन थोड़ा ज़्यादा डालें, अगर भजिया बनानी है मुंबई स्टाइल तो बेसन थोड़ा कम डालें। अब ये तेल गर्म हो चुका है और एक एक करके ये जो हमारे भजिया है ये डालते हैं हम तेल में। एकदम तैयार, एकदम क्रिस्पी। एकदम क्रिस्पी बनी है। डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालना चाहते डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए। लीजिए तैयार है ये कांदा भजिया। इंजॉय कीजिए इस मॉनसून स्पेशल रेसिपी को। बारिश हो या बारिश ना भी हो, कांदा भजिया हमेशा अच्छी लगती ही लगती है। हम इंजॉय करते हैं इस कांदा भजिया को जो बहुत ही क्रिस्पी है। इतनी क्रिस्पी है कि आवाज़ आप तक आएगी, पता कैसे, टेस्टिंग में बताता हूँ। ये इसमें गया, अब सुनिए आवाज़। इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार। चलिए मैं एंजॉय करता हूँ इसको अपनी बारिश के साथ और चाय के साथ। आप भी जाइए एंजॉय कीजिए, इस रेसिपी को बनाइए अपने घर पे, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो जाइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी डाल दूंगा अब न्यू अपडेट के लिए, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। और ऐसी रेसिपीज और बहुत सारी मस्त वाली रील्स भी आपको मेरे सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। चीयर्स।